Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट चेंज करने पे एक एप्लीकेशन आपको लिखना बताएंगे। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब आप किसी क्लास से अगले क्लास में जाते हो, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, यानी वहाँ पे दो चार सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से एक कोई सिलेक्ट करना होता है, और गलती से आपने कोई एक सेलेक्ट कर लिया है और उसे बाद में आपको लगता है नहीं हमें चेंज करके दूसरा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास 10th में और जा रहे हैं 11th में, तो आपने कॉमर्स ले लिया है या फिर साइंस ले लिया, आप उसे चेंज करके कॉमर्स या फिर साइंस में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, तो वही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है जिसके लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए 2 लिखना है, फिर 2 के आगे उसके नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम आप लिखिएगा, और 2 के जस्ट नीचे सर लिखना है, और फिर इसके बाद मैटर लिखना है। तो आप लिखेंगे आई बैक टू से डेट आई सिलेक्टेड कॉमर्स। अब जो सब्जेक्ट लिए हैं उसको यहाँ लिखेंगे और जो लेना है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो लिया उसका नाम डालिए, जैसे मान लेते हैं आपने कॉमर्स इस समय पढ़ा है, तो लिखेंगे कॉमर्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ माई स्टडी इन जुलाई, तो ठीक है, एडमिशन तो जुलाई समय होता है ना। अब जिस भी मंथ में आपने एडमिशन लिया वो मंथ यहाँ डाल दीजिएगा। बट नाउ आई फील सम डिस इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, तो अब लिखना है कि आपको वो जो सब्जेक्ट लिए हैं उनमें अब इंटरेस्ट नहीं है, और फिर इसके बाद लिखना है आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस, और आपको एक अब जो है अलग सब्जेक्ट यानी साइंस में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट लिए हैं उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे जो लेना है उसका नाम, जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स लिए हैं और चाहते हैं साइंस लेने के लिए तो यही लिखिएगा, और साइंस लिए हैं तो यहाँ साइंस लिखेंगे और कॉमर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे, यानी अपोजिट कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। और लास्ट में लिखिएगा देयरफॉर आई सेल्फ फील ग्रेटली ऑब्लिगेट इफ यू काइंडली अलाउ मी दिस चेंज फ्रॉम कॉमर्स टू साइंस, राइट। तो इसे आप लिख सकते हैं ना, आपने कॉमर्स से साइंस इस एप्लीकेशन में हर एक जगह यूज हुआ है ना, तो कॉमर्स साइंस और आप साइंस से कॉमर्स लिखना है तो आप उसे चेंज कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ कॉमर्स है वहाँ साइंस कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ साइंस उसे कॉमर्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और लास्ट में अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेट और फिर से दे दीजिएगा, तो आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है।